पता है छठ आ रहा है। सही सुना आपने, बिहार का महापर्व आ रहा है। इंतजार है तो नहा खा के कद्दू भात का, खन्ना वाले खीर रोटी प्रसाद का, घी में बने हुए ठेकवे का और शारदा सिन्हा के गीत का, बस इंतजार है। पहले, पहले हम सभी को जय श्री राम, जय हो छठ मैया। इस वीडियो में मैं आपको अपने गांव यानी मटियोर गांव का हम लोग छठ घाट तैयार करने गए थे वो दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों हम लोग समस्तीपुर जिला के अंदर मेरा मटियोर गांव आता है, बिशनपुर बेरी पंचायत के अंदर। दोस्तों छठ पूजा जो है उत्तर भारतीयों के लिए, उत्तर बिहार काल जो सबसे प्रमुख जो त्यौहार होता है ये यूपी बिहार झारखंड में मनाया जाता है। अब तो छठ पूजा पूरे देश में मनाया जाता है, दिल्ली मुंबई तक ये छठ पूजा प्रचलित है और भव्य ये चार दिन का आयोजन होता है। पहला दिन नहा खाए, दूसरा दिन खरना और तीसरा दिन डूबते सूरज को और चौथा दिन उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है। दोस्तों मेरे घर से 1.5 किलोमीटर का रास्ता पे महाराजी ढाबा है, तो वहीं पे हम लोग छठ पूजा करने जाते हैं। दोस्तों मेरा गांव जो हुआ मटियोर गांव में एक टोला है, उत्तर टोला, जिसको तीन खुट के नाम से है। सामने देख रहे हैं जो ब्लू टी शर्ट में श्री संतोष भैया है और उसके पीछे मेरा भाई है और गाँव के जितने भी छोटे बच्चे हैं वो सब छठ घाट बनाने के लिए। दोबारा जो पानी आया था तो काफ़ी ज़्यादा गीला हो गया है, गीला, ये सामने मेरा भाई देख रहा है। गाँव के हर एक बच्चा काफ़ी ज़्यादा मेहनत करे, छोटे से लेके बड़े तक। जौनापुर में घुस ली करना मेहनत करना ही रखी है। हम तो राधे तुरे फोन करे वाला रही, हमारे डुला के 9 बज रहे, हम के चंदन के कह दे। किस प्रकार चेतन रा काम कर रहे हैं। दोस्तों ये छठ घाट बनाने के लिए देख रहे कितना यंगस्टर, छोटे छोटे बच्चे आए, कितना उत्साहित होते हैं छठ पूजा में, मैं आपको बता नहीं सकता। छोटे बच्चे सबसे ज्यादा उत्साहित होते हैं। छठ घाट बनाने आए हैं, काफी ज्यादा भीड़ और देख रहे हैं 100 टोला ही है और हम लोग आज बनाने के लिए छठ घाट है और काफी ज्यादा भीड़ आप यहाँ पे देख रहे हैं। छठ घाट बनाने के लिए मेरे पीछे संतोष भैया। दोस्तों आज छठ पूजा का खरना दिन है, दूसरा दिन है जो 4 दिन का, और ये देख रहे हैं हम लोग का घर से कम 1 से आधा किलोमीटर की दूरी पे महाराजी ढाब में हम लोग आज घाट बनाने आए हैं। ये समस्तीपुर जिला का मटियोर गांव हुआ, देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे घाट तैयार कर रहे हैं और पानी अभी कुछ अभी है पूरा गीला, ये तो ये पूरा घाट साफ किया जाएगा। हम लोग घाट बनाने के आए हैं, ये समस्तीपुर जिला का छोटे छोटे बच्चे को देख रहे किस प्रकार मेहनत करे घाट बनाने का। आज छठ पूजा जो महापर्व है हिंदू का 4 दिन चलता है, आज दूसरा दिन है खरना और उसके पहले घाट की तैयारी किस प्रकार कर रहे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। समस्तीपुर जिला का मटियोर गाँव और बिशनपुर बेरी पंचायत। चेतन रहा और मेरा भाई किस प्रकार तैयारी कर रहा है ये छठ घाट का, और ये संतोष भैया हुआ और देख रहे हैं किस प्रकार तैयारी चल रहा है जोरों पे छठ घाट का हम लोग का, और उधर भी घाट का तैयारी किस प्रकार चल रहा है ये अब देख रहे हैं। ये देख रहे हैं छठ घाट का किस प्रकार तैयारी हम लोग कर रहे हैं। छठ घाट बनाने के लिए काफी ज्यादा भीड़ आया यहाँ पे, आप देख रहे हैं जो मटियोर गांव हुआ और पानी आ गया था तो उसका भी हम लोग दिखा रहे हैं आपको। देखिए चेतन मट्टी
काट करके हमें यहीं पर फेंक देवे बालू ऊपर से रख देवे ला पटरा रातो तो काम तुरंत हो जाएगा। दोस्तों मेरे से एक छोटा सा बच्चा है, नटखट बच्चा है और बहुत ही लोकप्रिय बच्चा है मेरे टोला का, सबके जुबान पर रहता है। देखिए जब लोग घाट बना जाए थोड़ा सा मस्ती उस्ती भी करते हैं। देखिए कादो कीचड़ में सब लोग खेल रहे हैं अभी। दोस्तों हम लोग छठ घाट बनाने के बाद इसमें नहाया जाता है और मेन जो गंगा का पानी है उससे ये कनेक्टेड है, एक तरह से आप डैम कह सकते हैं। और इसमें भैंसों से पार होकर मेन जो, और यही अभी हम लोग घाट उट बना रहे, देख रहे छोटे बहुत ज़्यादा दोबारा जो पानी आ गया था बहुत होता है। फिर हम लोग यहाँ पर लकड़ी गाड़ देते हैं जो छठ व्रती को दिक्कत नहीं हो, उनको मैंने सिग्नल के लिए मालूम चल जाए जो यहाँ पर इतना गड्ढा पानी, इतना गहरा पानी, वो सब हम लोग लगाए। पीछे आप देख रहे काफ़ी ज़्यादा ये राजा लोग बच्चा पाटे पूरा छठ का जो दोबारा जो पानी आ गया था उसके कारण बहुत ज़्यादा कीचड़ हो गया है। देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा आपको कीचड़ कीचड़ दिखाया है। आज हम लोग मटियोर गांव में छठ घाट बनाने के लिए आए हैं, वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरे पीछे देखते बच्चे लोग इस प्रकार काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और उधर संतोष भी अभी छठ घाट बना के भी रेस्ट कर रहे हैं। और देख लीजिए हम लोग का, और मेरे पीछे जो हुआ मेरा यही घर हुआ और ये बेरी सामने पड़ता है सामने करबन्ना, और ये साइड 1 किलोमीटर पीछे से अभी हमको आना है। सामने देख रहे हैं किस प्रकार चेतन राय काम कर रहे हैं। ये भैंसी देख रहे हैं दोस्तों लाइन से किस प्रकार नहाने के एक पार से दूसरे पार जाने के लिए है। दोस्तों छठ घाट में बहुत ज़्यादा गीला है इसलिए हम लोग बालू लेने के लिए ट्रैक्टर बहुत स्पीड चल रहा है, इसलिए मेरा बहुत ज़्यादा मोबाइल हिल रहा है। हम लोग बालू भरने के लिए जा रहे हैं अभी, 4 लाइन जो ताजपुर बख्तियारपुर 4 लाइन है वहीं से हम लोग बालू लाने के लिए जा रहे हैं, उसी का मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। और ये छोटा सा बच्चा जो आप देखे थे यही ट्रैक्टर चला रहा है। बालू भरने के लिए हमें देख लें काफ़ी ज़्यादा मैं ट्रैक्टर बैठ के जा रहा हूँ। ये वाला आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ आपको यहाँ पर दिखाई देगा, हमारे साथ रसनेश है। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा भीड़ देख रहे हैं यहाँ पे, हम लोग आज बालू भर के जो छठ घाट होता है वहाँ पे जा रहे हैं। दोस्तों छठ घाट पे काफ़ी ज़्यादा गीला था इसलिए हम लोग 4 लाइन से बालू लेके अब हम वहाँ पे डालेंगे और हम लोग जा रहे हैं छठ घाट बनाने के लिए। दूसरा दिन मैं आपको दिखा रहा हूँ छठ पर्व का, और मेरे पीछे देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़। अब मैं भी बालू का सबसे ऊपर वाला ढेला है वहाँ पर बैठा हुआ हूँ देखिए, और फोटो सेल्फी क्योंकि मैं जब रहता हूँ तो बच्चों लोग को मस्ती आता है काम करवाने में। और देख रहे इसी बालू पर मैं बैठ के जा रहा हूँ और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गीला माटी है इसलिए हम लोग वहाँ पर डालेंगे। देखिए बीच रास्ता में भी हम लोग माटी को डालते हुए चल रहे हैं क्योंकि छठ व्रती को दिक्कत नहीं हो जब वो छठ करने जाए। तो मैं हम लोग छठ घाट तैयारी के लिए आ चुके हैं और देख रहे हैं फाइनल टच आज छठ पूजा है शाम में, और देख रहे हैं किस प्रकार यहाँ पे हम लोग सजा रहे हैं और पूरा बालू यहीं पे डलाएगा और देख रहे हैं किस प्रकार वहाँ पे है। तो यहाँ से किस प्रकार कीचड़ है वो आप देख रहे हैं और इसी पे हम लोग आज पूरा छठ घाट का ये तैयारी करने के लिए आए हैं और देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ कीचड़ है और हम लोग यही बालू वालू डालेंगे। ये देख लीजिए किस प्रकार है यहाँ पे, इसी को हम लोग साफ सुथरा करेंगे। ये छठ घाट समस्तीपुर जिला का मटियोर गांव बिशनपुर बेरी की पंचायत के अंदर होता है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लोग का घाटों का सफाई किस प्रकार चल रहा है वो आप देख रहे हैं मेरे वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। ये पीछे देख रहे हैं जो छठ घाट का तैयारी किस प्रकार चला, फाइनल टच है छठ पूजा का है और वहीं पे हम लोग आज काफ़ी ज़्यादा आए हैं। ये बच्चे लोग देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा साफ सफाई यहाँ पे चल रहा है छठ घाट का देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। देखिए हम लोग आज बालू लेकर आ गए हैं और छठ पूजा दिन भी ये फाइनल टच हम लोग दे रहे हैं, पूरा बालू इस पे हम लोग अब बिछा देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गीला है। मेरे साथ गांव के छोटे छोटे बच्चे आपको दिखाई देंगे, काफ़ी उत्साहित है छठ घाट बनाने के। आज हम लोग छठ घाट बनाने के लिए आए हैं, मेरे पीछे आप देख रहे हैं काफ़ी देख रहे हम लोग आज बालू लेके आए हैं ये बालू, और यही बालू यहाँ पर पूरा डाला जाए कचरा पूरा किस प्रकार देख रहे हैं, यही बालू यहाँ पर डलाएगा। हम लोग आज छठ घाट तैयारी के लिए आए हैं क्योंकि दोबारा पानी आने से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गया, तो बालू एक टेलर से ज़्यादा लगेगा दोस्तों। दोस्तों देख रहे अभी जस्ट हम माटी काट के आए हैं, किस प्रकार एकदम चल रहा है कार्यक्रम एकदम देख आ गए हैं सब के। तो अभी माटी काट के आए हैं, मेरे पीछे आप देख रहे हो जो किस प्रकार माटी काटने का जो कार्यक्रम है वो अभी चल रहा है, यही पूरे छठ घाट हम लोग का हुआ।
और मेरे पीछे ये करवन्ना गांव का जो है काफी ज्यादा भीड़ आप देख रहे हैं। आगे हमें तो ये नहीं भैया से इनकी सिंह मैं तो कर दूँगा रे ये बहन के जुत्रा से अरे ना ना हम बारे में सुना ही ना रे हम बार ना लो ना ना भाई चला मेहनत ना ही करेगा ना चल चल डबल 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 लगाई थी लोड डबल डबल लगवाई से खाली ना क्या तो उड़ा रहा है यार हाथ रहा हाथ रहा ये बात चला कर दुकान में